स्वागतम सु स्वागतम शरणागतम गुरुवर गुरु मंगलम गुरु पद मंगलम गुरु मंगलम गुरु पद 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 मंगलम। पावन तीर्थ गया में इस वर्ष भी श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों के प्रसाद के कारण, गुरुदेव की कृपा के कारण, दो या तीन दिन का इस वर्ष भी हमको ठहरने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमय कृपा, आपके ऊपर पितृजनों की महती कृपा हुई कि आप ऐसे पावन समय में श्रद्धा के पक्ष में, श्राद्ध पक्ष में आप मोक्ष की नगरी गया में पधारे हुए हैं। केवल ये मोक्ष की नगरी नहीं है, ज्ञान की भी नगरी है। ये वही नगरी है जहां बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ था, इसीलिए इसका नाम बोध ही गया भी, क्योंकि यहां बोध हुआ। बोध का मतलब हम लोग कई बार करते हैं ना, हमारे गांव में कहावत में, अब आप लोग शायद उसको समझ, हमारे गांव में कई बार बोलते हैं, क्यों तुमने भोजन किया, बोध हो गया, बोध हो गया, हाँ बोध हो गया, आ जा आनंद आ गया, बोध मतलब भर गए। ऐसे यहां पर बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, बोध प्राप्त हुआ, संसार के सत्य और असत्य का पता चला। तो केवल ये मोक्ष की नगरी नहीं, यहां केवल गयासुर नहीं है, यहां केवल सब देवता नहीं, यहां केवल भगवान विष्णु का पाद नहीं, सब देवी देवताओं के साथ यहां बुद्धत्व, अंग्रेजी में इसको कहते हैं इनलाइटेड होना, अंग्रेजी में इनलाइटेड कहते। तो अगर साधारण भाषा में हम लोग बात, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना, इसी का नाम बुद्धत्व है। अच्छा, हम लोग जहां रुके उसका नाम संबोधि है, तिवारी जी ने बड़ा चुनकर नाम रखा संबोधि, सम अवस्था पे पहुंचना। अच्छा, पूरी दुनिया में मजा सम का है, प्रकृति का नेचर भी सम का है। अब आप नेचर को बहुत करीब से देखेंगे तो बहुत सम का है, और अगर आपको जैसे किसी दिन आपको बहुत काम हो तो आपको टेंशन हो जाएगी, और किसी दिन बिल्कुल काम ना हो तो टेंशन, बहुत ज्यादा काम करना हो तो टेंशन, इतना काम और बिल्कुल ना हो तो टेंशन। अब कमरों में करोगे क्या, दीवाले काटती। दोनों को बैलेंस बनाने के लिए थोड़ा काम करो, थोड़ा आराम करो, थोड़ा काम करो, थोड़ा आराम करो। अच्छा, केवल हंसो, केवल हंसो तो गला फूल जाएगा। एक आदमी हमको मिला, हमने कहा कि क्या बात है, आज गले में पट्टा सिकाई कर रहे हैं। बोले कल तुम्हारे चक्कर में गुरुजी हंसे बहुत। हम कहा हुआ क्या, बोले नसें फूल गई। हमें पहली बार पता लगा कि हंसने में भी नसें फूलती। हम कहा हो गया कल्याण, बताइए। तो ज्यादा हंसो तो दिक्कत, अच्छा ज्यादा रो तो आंसू गायब हो जाते, तो भी दिक्कत। बैलेंस बना के चलो, थोड़ा रो लो, थोड़ा मुस्कुरा लो। आज लेट हम इसी चक्कर में हुआ कि आज हमने ज्यादा खा लिया, एक तो दिन भर भोग कुछ खाया नहीं, शाम को खाया और इतना खाया कि ज्यादा खा गए, ये दोनों चंगू मंगू आ गए हमारे पास। तो बैठे थे, हमने खूब खा लिया, पड़े थे एकदम भैंसासुर जैसे। ये लोग बोले कि गुरुजी जुखाम हुआ। हमको जुखाम नहीं हुआ, हमने बहुत खा लिया है, अब उठने का मन नहीं कर रहा है, कोई जुखाम नहीं हुआ, हम बहुत अच्छे हैं, बहुत खा लिए। अच्छा, तो हम पड़े पड़े सोच रहे थे ज्यादा खाना भी बेकार, और ना मिले तो बेकार, तो करें क्या, थोड़ा खाओ, थोड़ा भूखे रहो, थोड़ा रो, थोड़ा हंसो, थोड़ा आराम करो, थोड़ा काम करो, थोड़ा सांसारिक भी हो जाओ पर थोड़े सन्यासी भी हो जाओ, थोड़े अज्ञानी भी रहो पर थोड़े ज्ञानी भी रहो। ज्यादा ज्ञानी होना भी बेकार है, पर आदमी जी नहीं पाता है, सब में लॉजिक चाहिए उसे। ज्यादा पढ़ लेने वाले बहुत खतरेदार आदमी होते हैं, जितना विनाशक आदमी ज्यादा पढ़ लेने वाला होता है उतना मूर्ख नहीं होता है।
पढ़ लेने वाला बहुत विनाशक आदमी होता है, तो ज्यादा पढ़ लेना भी मूर्खता है। थोड़े हमारे जैसा उल्लू भी होना चाहिए, बीच का बीच, थोड़ा थोड़ा, थोड़े मुस्कुराओ भी। अच्छा, थोड़े घर में भी रहो, थोड़े बाहर भी रहो, थोड़े घट में भी रहो। घट मतलब हृदय, अंतर्मुखी, ये अंग्रेजी का एक शब्द इंट्रोवर्ट, थोड़ा अंतर्मुखी हो जाओ। थोड़े घट में भी रहो, थोड़े बाहर भी रहो, थोड़े बैरागी भी हो, त्यागी भी हो, थोड़ा थोड़ा सब कुछ होना चाहिए। बैलेंस बनाकर चलोगे तो जिंदगी का मजा आएगा। थाली में एकदम मीठा होगा, खाने का रस चला जाएगा, पर थोड़ा तीखा हो, थोड़ा मीठा हो, आहा। गोलगप्पे बहुत लोगों की पसंद होती है, तो एक दिन हमने, बल्कि हमारी भी पसंद है, तो एक दिन हमने सोचा कि गोलगप्पे एक ऐसी डिश है जो भारत में बहुत लोगों को क्यों पसंद है। तब हमें समझ में आया कि उसमें चटकारा भी है और उसमें मीठा भी है, दोनों है, बैलेंस है, इसलिए लोगों को पसंद है। पिक्चर भारत के लोगों को बहुत अच्छी लगती है, दुनिया के लोगों को अच्छी लगती है, विदेशों में भी जाओ तो पिक्चर के बहुत शौकीन होते हैं। पिक्चर में दोनों होता है, ज्ञान भी होता है, ढिसुम ढिसुम भी होता है, इलू इलू भी होता है, सब सब थोड़ा थोड़ा होता है। अब वो पिक्चर हिट होती है जिसमें सब हो, जिसमें सब हो, केवल ढिसुम ढिसुम हो, मार धार, धुं, 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 कोई नहीं देखेगा, और केवल इलू इलू हो तो नहीं कोई देखेगा। और जो जो बनाने वाले पिक्चर वाले डायरेक्टर होते हैं, कहानी लेखककार होते हैं, वो स्टोरी राइटर जो होते हैं, वो बहुत अद्भुत होते हैं। वो लिखते हैं तो थोड़ा इमोशनल, थोड़ा हास्य, उसमें एक दो कॉमेडियन भी रहते हैं हमारे जैसे, तो थोड़ा हास्य भी, थोड़ा इमोशनल भी, कुछ रोने वाली बात भी, कुछ सिखाने वाली, थोड़ा प्रेम, ताकि पिक्चर का मतलब आपको जो अच्छा लगे वो आप पाओ। किसी को हंसी अच्छी लगती, किसी को उसमें मार धाड़ अच्छी लगती, किसी को गीत संगीत अच्छे लगते, तो लोग गायन सुनते, गीत सुनते, जिसको जो प्रिय, सब कुछ होता है। तो फिर पिक्चर 3 घंटे हम ऐसे खो जाते हैं जैसे ये हम ही पात्र बन करके आ गए, उस कहानी को हम अपनी कहानी से जोड़ देते हैं, थोड़ा थोड़ा सब कुछ। तो आप लोग जहां आए हैं उसका नाम है गया, बोधि गया, बुद्धत्व की प्राप्ति बुद्ध को यही हुई, लेकिन जहां बैठे वो संबोधि है, यहां सब सम है। थोड़ा ऊपर भी बैठ सकते लोग, नीचे भी बैठ सकते, संबोधि है ना, थोड़ा ऐसा भी लगेगा कि जंगल है, पर कमरों में आओगे तो 5 स्टार की फीलिंग। अच्छा, बुरा ना मानना, बहुत मजाक में हम बोल रहे हैं, इसको बहुत गंभीर, स्विमिंग पूल भी है। अब जिन्होंने कभी स्विमिंग पूल लिया नहीं, उनके तो पूर्वज नहा के तर गए। एक दादाजी हमको मिले, बोले गुरुजी पुरखा तरे या ना तरे, हम सो तर गए, हमने टीवियों में देखे थे स्विमिंग पूल, बल्कि उसको वो तालाब बोल रहे थे, तो बोले ये वाले तालाब हमने टीवियों में देखे थे, और आपने क्या गजब का जलवा किया, यही है। हमने मन ही मन कहा इनके तो पूर्वज चले गए, इनके पूर्वजों को कोई नहीं रोक सकता है। तो थोड़ा थोड़ा, इसलिए इस स्थान का नाम संबोधि है, समावस्था में जीना। संबोधि के स्थान पर हम लोग बैठे हैं, बिहार की भूमि है, बाहर ही बाहर है, यहां बिहार में तो बाहर है ही है। नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा, मां जानकी की चर्चा, कौन नहीं है। और बिहार आवे हमको एक महात्मा बहुत प्रिय, गोलोकवासी परम पूज्य श्री बक्सर वाले मामा जी, बिहार आते ही हमको उनकी याद आती है। उनके बहुत गीत हमने दर्शन नहीं किया, पर उनको सुना बहुत है, बहुत सुना हमने, मामा जी को सुना भी और गुरु भाई हमने पढ़ा भी। आज अद्भुत दिन है, पहला भगवत चर्चा का पहला, हम कोई प्रवचन सुनाने नहीं आए, हम तो ऐसे ही मूड में आ गए, ये लोग आ गए, बोले चलो चलते हैं। लेकिन आज अच्छा लगा, हमारे गुरु भाई जो हमारे पूज्य गुरु जी की सेवा में, जिनके कारण हमारे जीवन का आधार और श्वास है, परम पूज्य जगत गुरु भगवान, जिन्होंने पद्म विभूषण प्राप्त किया है, पर सपोर्ट लगा के नहीं, विद्या के बल पर, जगत गुरु की उपाधि पाई है पैसा देकर के नहीं, विद्या का वखान करके। वो जगत गुरु जिनके सामने 4-4 आंख वाले भी फैले, और कोई तार्किक कहेगा कि 4 आंखें होती हैं तो 2 चश्मा की, 2 खुद की, आप अपने पे मत ले जाना,
चार आंख वाले भी होते हैं, चार आंख वाले भी होते हैं, हाँ, दो चश्मा की दो खुद की, चार हुई। अगर कई लोगों को पढ़ते पढ़ नहीं पाते हैं जब तक चश्मा ना लगे, तो हो गई आंख, आदमी तब तक नहीं देख सकता जब तक आंख ना हो। तो चार चार आंख वाले भी जिनके सामने फेल हो गए, ऐसे जगत गुरु भगवान जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के राम के होने का प्रत्यक्ष प्रमाण दे करके विरोधी दल को भी चकित कर दिया था। ऐसे जगत गुरु भगवान जिन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की, ऐसे जगत गुरु भगवान जिनकी वाणी से वेद तत्व झलकता है, ऐसे जगत गुरु भगवान जिनको देखकर लगता है चलते फिरते वेद व्यास जी या तुलसीदास चले आ रहे हो, ऐसे परम पूज्य गुरुदेव भगवान की सेवा में बहुत दिनों तक रहे हमारे ज्येष्ठ गुरु भाई परम पूज्य आचार्य, आप कथा व्यास भी हैं, यहां कथा भी सुना रहे हैं गया जी में, अब नाम लेने में दृष्टता भी होगी, हमारे ज्येष्ठ भ्राता भी हैं और ज्येष्ठ गुरु भाई हैं, पूज्य श्री सांडिल्य जी आज कथा के मध्य में आए, हम उनको भी दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। ब्यारम जब भी आते हैं ये चले आते हैं, जिन्होंने टोपी पहनाई, अच्छा ये जब भी आते हैं तो टोपी पहनाते हैं, मंत्री है, अच्छा पाग बोलते हैं, हाँ पाग, टोपी नहीं है, टोपी तो उनकी होती है, मिथिला का पाग है ये, टोपी उनकी होती है, अपनी तो पाग है, हाँ पाग है ये, पाग टोपी उनकी होती है, उबालों की टोपी होती है। ओ आप यहाँ मंत्री भी हैं पर बहुत प्यारे हैं, बागेश्वर धाम से बहुत दिनों से जुड़े, ये पहली बार आए, बोले बताओ बाबा हमारा भाग्य क्या दिख रहा, हमने कहा तुम तो मंत्री बन रहे, बोले मंत्री तो दूर की बात, हम विधायक नहीं बन पा रहे, सच में ये मंत्री बन गए, हमारी तुक्का की बात लग गई, उस दिन से ये ज्यादा मानने लगे, पहले कम मानते थे, और सच बताएं जब से मंत्री बने तब से ये पाग देना नहीं भूलते हैं, हमें मन ही मन लगा कि आदमी स्वार्थ का बड़ा पक्का होता है। अब इन्हें ये लालच है कि बाबा के कहने पे जब मंत्री बन सकते हैं तो कुछ और भी बन सकते हैं, लेकिन अब अपन सावधान हो गए हैं कि तुम मंत्री बनने पे ही पाक चढ़ाते थे, पहले चढ़ाते, तो हम थोड़े से सावधान हो गए, पर बहुत अच्छे हैं। और यहाँ के गया के विधायक और पर्यावरण मंत्री भी आए हुए हैं, इनका भी हम स्वागत करते हैं, क्योंकि हम आपके क्षेत्र में हैं, तो गया के विधायक भी कहाँ हैं, मुटकू राम आ गया, वो बहुत प्यारे हैं, वो बहुत सरल हैं, सीधे हैं, बहुत सीधे हैं, यहाँ के वन मंत्री भी हैं, पर्यावरण वन मंत्री भी हैं, आपका भी हम स्वागत कर रहे हैं, ताली बजा कर इनका भी स्वागत करो, और ये भी नेता प्रतिपक्ष भी, हाँ आप इसके पूर्व में आप नेता प्रतिपक्ष भी रहे, दोनों लोग बहुत ही प्यारे हैं, आप दोनों का स्वागत अपने इस सभा में कथाक्रम में हम करते हैं, बहुत धन्यवाद, बैठो विराजो, बिहार है तो बहार है। और हाँ इनकी एक आदत, ये जब भी आते हैं मखाने पहनाते हैं, मखानों की माला, कहाँ गई जरा उठाओ, लाओ ये ये फेंको मत, लाओ। तीन चीजें इन्होंने हमको आज बताई, माछ पान मखाना, ये मिथिला की तीन, हमने पूछा ये माछ क्या है, बोले मछली, तो हमका उससे बचा के रखना, लेकिन बुरा ना मानना, आप बुरा ना मानना, बहुत हम बहुत विनोद में बोल रहे हैं, ये जो मखाने हैं ना लाओ ना, हमारे यहां मरने पे पहनाते हैं। चढ़ाए भी जाते हैं, ऊपर से फेंके जाते हैं, और इन्होंने हमें कई बार जिंदा में चढ़ा दिया, हमने क्या बाहर में गया, मरने के बाद बहुत लोगों पे गिरे होंगे, अपन जिंदे में गिराएंगे, ये आखिर ऐसा कोई भाव नहीं है हमारा, ये मिथिला की परंपरा है, पर हम अपने बुंदेलखंड की बात बता रहे हैं, बुंदेलखंड में तो ये मरने के बाद चढ़ाए जाते हैं, वो भी कुछ लोगों को नसीब होते हैं, सबको नहीं होते हैं, सबको नहीं मिलते, कुछ लोग जो थोड़ा अच्छे घराने के होते हैं उनको मखाने मिलते हैं। हमने सोचा जब पहली बार इन्होंने चढ़ाया, हमने सोचा हो गया गुरु काम, थैंक यू वेरी मच, ये जब भी लाते हैं तो हमें मजा आता है, चढ़ा दी है, सबसे
इससे बढ़िया, खैर इससे बड़ी व्यवस्था कुछ हो नहीं सकती कि कोई जिंदा में करके जाए। अभी गया मरने के बाद, भाई बात भी उनकी सही है, मरने के बाद जो जिंदा रहेंगे वो देखेंगे, मरने वाला तो देखेगा नहीं, और ठीक भी है, पहले ही लो, बाद में तुम्हें ध्यान रहे ना रहे, कम से कम अभी तो ध्यान। तो आपका भी हम स्वागत करते, आपका भी स्वागत करते, बहुत प्रसन्नता हुई, आप लोग भी आप आए हैं, लगभग 200 परिवार आया। पहली बात तो हम लाइव के माध्यम से आप सबको बता दें, कोई भी VIP या नॉन VIP नहीं है, जो आने का रजिस्ट्रेशन करवाए हैं पहले से उनके लिए हम आए हैं। हमारे आचार्य जी पंडित जी नहीं मानते, बोले नहीं आपको तो आना पड़ेगा, नहीं तो हमारा कोई काम नहीं है यहाँ आने का, पर वो नहीं मानते। पर हमने एक जगह पढ़ रखा है, श्राद्ध पक्ष में अपने पूर्वजों के निमित्त श्रद्धा अर्पण करनी चाहिए, हम भी उसी लिए आए। तो जो लाइव देख रहे हैं, कथा का कोई क्रम नहीं है, कल तक हम हैं, फिर हमें निकल भी जाना, और किसी ने न्यूज डाल दी कि बाबा तो पर्ची कटवाने वाले को मिलेगा, हमें बहुत बुरा लगा न्यूज पढ़ करके, इसलिए बुरा लगा कि ऐसा कोई हमारा भाव नहीं है, और फिर मिलेंगे तो पर्ची में क्या मिलेंगे, सोना चांदी में मिलेंगे, अगर हम बिकेंगे कि तो उसने लिखा 56,000 रुपया, हमने कहा इतने सस्ते में क्या खाक मिलेंगे, कोई 56 लाख होता तो थोड़ा हम सोचते, भाई तुम 56,000 में बिकवाने की बात कर, वो भी 2 मिनट्स, उन्होंने लिखा 2 मिनट चाहिए तो 56,000 ठटरी के बरे, तुमने इतने सस्ते समझ लिए हमारे 2 मिनट, तुम्हें शर्म ना आई, कम से कम 2-4 0 बढ़ा के लिखते तो पढ़ने वाले भी समझते कि यार साधारण आदमी की पहुंच नहीं हो सकती। ये बिना तर्क का बेफिजूली का बना, ये जो पर्ची है ये कार्ड वालों की पर्ची है, पर्ची मतलब जिन्होंने धाम पर जाकर रजिस्ट्रेशन किया कि हमको बागेश्वर धाम के ब्राह्मणों के साथ में गया जी जाना, तो उनकी रुकने की व्यवस्था, भंडारे की व्यवस्था, जिनके यहां रुके हैं वो तिवारी जी भी एक पर्ची काटेंगे, होटल की पर्ची वो लंबी जाएगी, हाँ तो उनकी व्यवस्था, उनकी व्यवस्था। ये गलत अफवाहों से आप सब बचें, बिहार में हम गया जी में जल्दी ही कथा सुनाएंगे, जब सुनाएंगे तब बताएंगे, पर बिना पितृपक्ष के मेला के सुनाएंगे कि प्रशासन को कोई असुविधा ना हो। क्या कहें, सुनाने को कुछ बचे ही नहीं, सब सुना सुनाया है, पर आप सब विराजमान हैं, एक दो चर्चा हम सब करना चाहेंगे। भगवान श्राद्ध पक्ष वर्तमान में है, और ये श्रद्धा से उत्पन्न हुआ एक शब्द है, और जिसके पास श्रद्धा नहीं उसका श्राद्ध व्यर्थ है, क्योंकि श्राद्ध केवल श्रद्धा से उत्पन्न हुआ है, और अगर आपके पास श्रद्धा नहीं है तो आपका श्राद्ध व्यर्थ है। दूसरी बात, श्राद्ध पक्ष में आप यहां पधारे हैं तो ये आप कोई उपकार नहीं अपने पूर्वजों पर कर रहे हैं, अपितु पूर्वजों ने आप पर उपकार किया है कि आपको वंश बढ़ाने के लिए, आपको ऐसी बुद्धि देने के लिए, संस्कार देने के लिए, वो अपने जीवन को जी करके तुम्हारे लिए तपस्या करके मरे।